नमस्कार, मैं किंजल ऑल्ट न्यूज से। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में स्थित शिव शक्ति धाम डासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो कि पहले भी अपने भड़काऊ भाषण को लेकर चर्चा में रहे हैं, उन्होंने हाल ही में हैदराबाद बलात्कार मामले को लेकर एक विवादास्पद बयान दिया था। सरस्वती ने कहा था कि सभी आरोपी में से 3 आरोपी नाबालिग है और जिस वजह से पुलिस ने उनकी पहचान छुपाने हेतु उन्हें काल्पनिक हिंदू नाम दिए थे। अभी हैदराबाद में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कितना बड़ा तमाशा हुआ है। ये जो हमारी बच्ची से बलात्कार किया, इसमें 4 लोग बताए जा रहे हैं। एक का नाम है मोहम्मद आरिफ पाशा और 3 नाम बताए जा रहे हैं हिंदुओं के, जबकि सच्चाई ये है ये तीनों माइनर हैं, नाबालिग हैं। इनके नाम घोषित नहीं किए जा सकते, इसलिए इनके नाम काल्पनिक दिए गए हैं। हैदराबाद में 27 नवंबर को एक 26 वर्षीय पशु चिकित्सक का बलात्कार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 6 दिसंबर की सुबह यह खबर सामने आई कि पुलिस ने चारों आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। अब बात करें नरसिंहानंद के बयान की, तो उनके इस बयान पर द यूथ नामक एक वेबसाइट ने लेख प्रकाशित किया था। व्यापक रूप से सोशल मीडिया में प्रसारित हुए इस लेख को शेयर करने वालों में अपने आप को पत्रकार बताने वाली मीना दास नामक एक उपयोगकर्ता भी शामिल है। गौर करने लायक है कि मीना दास को ट्विटर पर प्रधानमंत्री भी फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया में ऐसा ही एक दावा प्रसारित है जिसमें सभी आरोपियों को मुस्लिम समुदाय का बताया गया है। संदेश में चारों आरोपी के नाम मोहम्मद पाशा, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद रहीम और मोहम्मद अकरम बताए गए हैं। तो क्या सरस्वती द्वारा किया गया दावा सही है? तो क्या सभी आरोपी मुस्लिम समुदाय से हैं? नहीं, ऑल्ट न्यूज ने पाया कि आरोपी के नाबालिग होने और उस वजह से पुलिस द्वारा उनकी पहचान छुपाने हेतु उन्हें काल्पनिक नाम दिए जाने का दावा पूरी तरह से गलत है। साइबराबाद पुलिस द्वारा जारी एक प्रेस नोट में भी सभी आरोपी के नाम बताए गए हैं, जिसके अनुसार उनके नाम 26 वर्षीय मोहम्मद पाशा, 20 वर्षीय नवीन, शिवा और केश वुल्लू है। इसके अलावा मीडिया संगठन द क्विंट ने ग्राउंड रिपोर्ट कर आरोपी के परिवारजनों से बात की थी और लेख में उन्होंने आरोपी जोल्लू शिवा के पिता की पहचान जोल्लू राजप्पा, जोल्लू नवीन की मां की पहचान लक्ष्मी, केश वुल्लू की मां की पहचान जयम्मा और मोहम्मद उर्फ आरिफ की मां की पहचान मौल नबी के रूप में की थी। इस प्रकार द क्विंट की रिपोर्ट और प्रेस नोट में जारी किए गए सभी आरोपियों के नाम मेल खाते हैं। इसके अलावा साइबराबाद पुलिस ने भी ट्वीट कर इस दावे को फर्जी बताया है। इस प्रकार सोशल मीडिया में किया गया यह दावा कि हैदराबाद बलात्कार मामले के सभी आरोपी मुस्लिम हैं और उनमें से 3 आरोपी के नाबालिग होने की वजह से पुलिस ने उन्हें काल्पनिक हिंदू नाम दिए थे, यह दावा गलत साबित होता है। सोशल मीडिया में प्रसारित ऐसी किसी भी संदेहपूर्ण जानकारी, तस्वीर या वीडियो की सच्चाई जानने के लिए ऑल्ट न्यूज़ ऐप का इस्तेमाल करें। धन्यवाद।